नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल स्पाइस बल में आपका स्वागत है। गर्मी बहुत पड़ रही है, इसके लिए मैं आपको एक रिफ्रेशिंग आम पाना की रेसिपी बता रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक बर्तन में 2 ग्लास पानी लिया है, 2 कच्चे आम लिए हैं, कैरी भी बोलते हैं, आजकल कैरी बहुत अच्छी आ रही है। इसमें 1 कटोरी चीनी ऐड किया है, आप चीनी की जगह खांड या शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम बॉईल करेंगे ढककर। आप चाहे तो कुकर में 2 विसल भी दिला सकते हैं। कैरी बॉईल हो गई है, अब हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा हो गई है, अब हम इसको छील कर इसका पल्प निकाल लेंगे। उसी पानी को यूज करेंगे जिसमें हमने उसको बॉईल किया है। जब ये बॉयल हो जाती है, इसका छिलका बहुत आसानी से निकल जाता है। अब हमने दोनों कैरी का पल्प उसी पानी में ऐड कर दिया है। इसकी गुठली बिल्कुल आराम से अलग हो गई है। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी पुदीना के पत्ते धो लिए हैं अच्छे से, इसको मिक्सर जार में ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून काला नमक लिया है, 1 टीस्पून नॉर्मल सॉल्ट, और जो हमने अम्मी को बॉईल किया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़े से आइस क्यूब ऐड करेंगे। अगर आप आम पानों को इंस्टेंटली यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे इस स्टेज पर, नमक हम फिर बाद में ऐड करेंगे। और इस मिक्सचर को आप अच्छे से, हमने ब्लेंड कर लिया है, मैं इंस्टेंटली यूज़ कर रही हूँ तो सर्विंग के लिए मैंने इसमें भुना जीरा पाउडर डाला है और मैंने सॉल्ट भी पहले ही डाल दिया था। इसको हमने ग्राइंड कर लिया है मिक्सर में और देखिए कितना अच्छा आम पाना मैंगो ड्रिंक रेडी हो गया है। ये इतना रिफ्रेशिंग है कि आपको समर हीट से भी बचाएगा और इसके लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी भी पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।